नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड सेविन प्रोडक्शन में। तो दोस्तों, हम आपको जो मैच कवर करने वाले हैं यूरोपियन टी10 जिब्राल्टर का मैच है, जो कि दोस्तों भी खेला जाएगा। वीएबी वैसे एसएलजी टीम्स के भी डिफरेंसेस करेंगे इस वीडियो में। फुल स्टेट्स पर इनफो, दोनों टीमों को एक एक प्लेयर के स्टैट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो आपने लाइक करके शुरुआत करना। दोस्तों, इस टूर्नामेंट में डेली दो मैच होते हैं सेम टीम के बीच, तो दोनों मैच का फाइनल अपडेट, फाइनल टीम सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आपको जल्दी से आगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। क्लिक करिए और तुरंत आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realFWP, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 5600 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। हमारे नाम से कुछ फेक चैनल दिखेंगे तो उनसे आपने सावधान रहना। हमारे रियल चैनल पर जुड़ने का बेस्ट तरीका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में जो लिंक है, यदि आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो आप डायरेक्टली रियल चैनल ज्वाइन होंगे। तो पहले लिंक से ज्वाइन करिएगा, और कभी कभार यदि लिंक वर्क नहीं करता तो फिर जाकर टेलीग्राम पर सर्च करिए realFWP और सेम यूजर नेम यहाँ पर देख के 5600 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों, बात करें मैच की, तो मैच रात में 10 बजे से स्टार्ट होगा, और दोस्तों इन्हीं दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच रात में 12 बजे से स्टार्ट होगा। तो दोनों मैच का अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। दोस्तों, बात करें वेन्यू की, तो यूरोपा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ये मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों एक विकेट की, तो बैलेंस विकेट मान के अपनी टीम क्रिएट करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो विकेट हाउस होता है वो एक आर्टिफिशियल विकेट होता है। अपने स्कूल और कॉलेजेस में देखा होगा तो आप जानते होंगे मैट वाला जो विकेट होता है वही विकेट यहाँ पर यूज होता है, तो आप उसे बैलेंस विकेट मान सकते हो, क्योंकि वहाँ इक्वल सपोर्ट मिलता है बैट्समैन और बॉलर को। यदि बॉलर अच्छी लेंथ में बॉलिंग करता है तो उसे विकेट भी मिलते हैं, और जो बैट्समैन अच्छा हिटर है, अच्छी बैटिंग कर सकता है, रन भी बना सकता है। तो ओवरऑल बैलेंस विकेट मान के आप टीम बनाएगा, 100 से 120 के बीच स्कोरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पहले दोस्तों हम बात करेंगे वीएबी टीम्स की। दोनों टीम का पहला मैच है, रिचार्ड बुजागलो और ऐसे इयान फेरल आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं इस मैच में। बात करें दोस्तों बुजागलो की, लास्ट के 9 T20 मैच जिन्होंने खेले हुए 154 रन का स्कोर किया, डोमेस्टिक T20 का रिकॉर्ड है। विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे, विकेट कीपिंग सेक्शन आप इनके साथ जा सकते हो। राइट हैंड बैट्समैन है, एक अच्छी चॉइस आपके लिए रहने वाले हैं। इनके साथ ओपन करने आ सकते हैं इयान फेरल, राइट हैंड बैट्समैन है। 10 T20 के अंदर 125 रन किए हुए, बहुत कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, बैटिंग सेक्शन में कोई अच्छी चॉइस भी नहीं है, तो आप चाहें तो ऐसे प्लेयर ट्राई कर सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग के अंदर रोटेट करिएगा। स्मॉल लीग मेरे हिसाब से रिस्की है, हालांकि जब इनका ऑफिशियल एक बैटिंग ऑर्डर आता है यदि उसमें एज ए ओपनर मेंशन होते हैं तो फिर ठीक ठाक चॉइस रहेंगे, ट्राई कर सकते हो। कुछ मैचेस में इन्होंने अपने डोमेस्टिक लेवल के लिए ओपन किया हुआ है, कुछ मैचेस में काफी नीचे खेले हैं, तो कह नहीं सकते यदि ओपन करेंगे तो फिर अच्छी पिक रहेंगे, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है। ओपन यदि कोई बल्लेबाज कर रहा है तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है, इस चीज़ को अपने ध्यान रखना है। इयान लेटन की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन लेग ब्रेक बॉलर है। लास्ट के 5 गेम के अंदर इन्होंने 87 रन का स्कोर किया, 3 विकेट चटकाए हुए T20 के अंदर। दोस्तों, ये जो सारे प्लेयर के आपके T20 के स्टेट्स दिख रहे हैं उनके सामने मैंने T20 मेंशन किया हुआ है। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि दोस्तों इंटरनेशनल T20 खेले हुए हैं, ये सारे प्लेयर डोमेस्टिक T20 के रिकॉर्ड है, लेकिन कुछ प्लेयर इनके आगे आई लिखा होगा वो T20 इंटरनेशनल है, जिस प्लेयर के आगे C T20 लिखा वो क्लब T20 खेले हुए हैं। नंबर 1 पे आपने T20 इंटरनेशनल को रखना है, उसके बाद डोमेस्टिक T20 रखना है, क्लब T20 सबसे थर्ड पे आप रखिएगा, क्योंकि वो काफ़ी लो लेवल का क्रिकेट होता है इनका। और जिसके सामने दोस्तों कुछ नहीं लिखा हुआ वो T10 का रिकॉर्ड है, जो प्लेयर ACS T10 खेल चुका है, इस चीज़ को भी अपने ध्यान रखना है। लेटिन आपको वन डाउन बैटिंग करते देखेंगे, CBC का बढ़िया ऑप्शन नहीं, क्योंकि मोस्ट बॉल इनको 2 ओवर की अपनी कंप्लीट बॉलिंग कराना चाहिए, प्लस 1 डाउन के आसपास बैटिंग करना चाहिए, तो CBC भी अपने ट्राई कर सकते हो। बात करें दोस्तों केंडो नेस्टर की, अब ECS T10 ये खेल चुके हैं, जहाँ पर इन्होंने 5 मैच खेले थे T10 के अंदर, जहाँ पर 39 रन में किए थे, वही दोस्तों बॉलिंग नहीं करी हुई थी, 0 विकेट था, एक आधा साइड डाला था, लेकिन बॉलिंग ज़्यादा नहीं करी हुई थी। लेकिन दोस्तों जब T20 इंटरनेशनल खेलते हैं जिब्राल्टर के लिए, तो वहाँ पर दोस्तों 13 मैच के अंदर उन्होंने 94 रन का स्कोर किया, 8 विकेट चटकाए हुए, वहाँ पे अच्छी खासी बॉलिंग कराते हैं, तो उनके बॉलिंग कराने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, कभी भी बॉलिंग डाल सकते हैं। हालांकि T10 के अंदर अभी तक उन्होंने बॉलिंग ज्यादा नहीं करा हुआ, सिर्फ एकाध ओवर ही करा हुआ है, लेकिन 5 मैच में, लेकिन ये डाल सकते हैं, इस चीज़ को भी अपने ध्यान रखना। तो एज ए प्लेयर जरूर लीजिएगा, CBC सिर्फ ग्रैंड लीग के अंदर यूज करिए, स्मॉल लीग में CBC मत बनाएगा, क्योंकि बॉलिंग इनका सेवर है नहीं, लेकिन हाँ बैटिंग से जरूर आपको पॉइंट दे सकते हैं, मिडल ऑर्डर बैटिंग करेंगे। क्रिश्चियन लो की बात करें, 2 मैच में 30 रन 1 विकेट है, सिर्फ ग्रैंड लीग ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग पर बैटिंग सेक्शन में दिए हैं तो स्मॉल लीग पर भी रख सकते हैं। बॉलिंग की कोई मतलब ऐसा है नहीं कि कंफर्म बॉलिंग करें, क्योंकि 2 मैच में 1 विकेट निकाला हुआ, उसमें एक ही मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करी हुई थी, 1 मैच पे 1 भी ओवर नहीं डालते, तो डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। बॉलिंग कितने खेलते हैं इसकी टीम में वो देखना पड़ेगा, इस टीम में कम बॉलर खेले तो करा सकते हैं, कराना जानते हैं। बात करें दोस्तों रॉबिन पैटरे की, राइट हैंड बैट्समैन मीडियम पेस बॉलर है, इन्होंने क्लब लेवल की क्रिकेट जो खेली हुई है वहाँ पर 2 मैच में इन्होंने 40 रन किए थे, 1 विकेट निकाला था, 5 ओवर वहाँ पर डाले थे। यहाँ पर आप 1-2 ओवर की बॉलिंग से उम्मीद कर सकते हो, प्लस बैटिंग से भी थोड़ा बहुत बैकअप दे सकते हैं, लेकिन क्लब T20 का रिकॉर्ड है, क्लब T20 एकदम इनका लोकल लेवल का क्रिकेट होता है, तो आपने सिर्फ इनको एज अ प्लेयर ही अपनी टीम में ट्राई करना है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं, तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर रख लीजिए। CBC मत बनाएगा, ज़्यादा उम्मीद नहीं करेगा। बात करें दोस्तों समर्थ बोधा की, राइट हैंड बैट्समैन मीडियम पेस बॉलर है, T20 के अंदर 5 मैच में 42 रन किए हैं, प्लस 5 विकेट है, 9 ओवर डाल के, तो अच्छी पिक रहेगी, क्योंकि 1-2 ओवर की बॉलिंग की भी आप इनसे उम्मीद कर सकते हो, प्लस थोड़ा बैटिंग बैकअप देंगे, तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर ले लेना है। रॉबर्ट अलेक्जेंडर मुझे कुछ खास लगे नहीं इनका रिकॉर्ड, 5-4 मैच के अंदर सिर्फ 2 ही ओवर है, तो आप छोड़ दीजिए इनको। एंड्रू रोड्रिग्ज भी कुछ खास ऑप्शन है, इनको भी छोड़ दीजिए। रियान ग्रिम्स का भी मुझे कुछ खास लगे नहीं, आप इनको मतलब स्टैट्स इनका
अवेलेबल नहीं है, यदि मिलता है तो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। एंड्रो रेस की बात करें दोस्तों, ये ठीक ठाक चॉइस ग्रैंड लीग के अंदर हो सकते हैं, 3 मैच में इन्होंने 5 ओवर डाले हैं, तो ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, एक आध ओवर हो सकता है मिल जाए, लेकिन बॉलिंग जाने के चांसेस भी कम रहेंगे। बेंच में कुछ प्लेयर हैं दोस्तों इनके, यदि जो मतलब लाइनअप की बात बेंच में है, यदि बेंच से कोई प्लेयर लाइनअप में जुड़ेगा, जो भी प्लेयर लाइनअप में आएगा बेंच से, तो उसका रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी के लिए आप ये प्लेइंग 11 मान सकते हो एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, हालांकि फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे दिया जाएगा। फाइनल जो नए प्लेयर जुड़ेंगे लाइनअप में आएंगे स्क्वाड से, तो उनका रिकॉर्ड टेलीग्राम पे मिलेगा, उसमें की फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, क्लिक करिए लिंक पर तुरंत टेलीग्राम चैनल पर एंट्री ले लीजिए। अब दोस्तों सेकंड टीम की बात करेंगे एसएलजी की, तो इनकी तरफ से ओपनिंग करते देखेंगे कैरन स्टैग्नो और जूलियन प्रेवन। बात करें दोस्तों स्टैग्नो की, अब T20 इंटरनेशनल उन्होंने खेला हुआ है जिब्राल्टर के लिए, वहाँ पे 7 मैच में 101 रन किया है, तो T20 इंटरनेशनल में एक अच्छा रिकॉर्ड है, 7 मैच में 101 रन। यहाँ पे आप लंबे स्कोर की भी उम्मीद कर सकते हो, तगड़ा भी खेल सकता है प्लेयर, तो इसको अपनी टीम से भूल के भी नहीं निकालना, आपके लिए मस्ट हैव पिक हो जाता है। वही दोस्तों जूलियन प्रेवन को आप देखिए, इंटरनेशनल में 9 मैच में 47 रन सिर्फ बनाए हैं, और वहीं दोस्तों कैरन स्टैग्नो ने 7 मैच में 101 जड़े हैं, तो जूलियन से कहीं बेटर बल्लेबाज स्टैग्नो है, तो स्टैग्नो आपकी टीम में मस्ट हैव पिक है। जूलियन ने 9 मैच में सिर्फ 47 रन बनाए हैं इंटरनेशनल में, वहीं जब डोमेस्टिक में क्लब T20 में खेले थे तो 2 मैचों में 45 रन जड़े थे, तो आपने ट्राई करना है एटलीस्ट एज अ प्लेयर ग्रैंड लीग के अंदर। बैटिंग सेक्शन में कोई अच्छी चॉइस नहीं है तो आप स्मॉल लीग पे भी रख सकते हो, 15-20 रन एटलीस्ट आपको करके जरूर देंगे। बात करें दोस्तों लीग कोलाडो के विकेट कीपर बल्लेबाज है, ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर लीजिएगा, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने 6 मैच में 27 रन किए हुए, बहुत कुछ खास पिक नहीं, छोड़ दीजिएगा, हालांकि टॉपर टॉप बैटिंग करते हैं कभी कभी। बात करें दोस्तों मैट हंटर के, मिडल ऑर्डर खेलते हुए नजर आएंगे, 1 डाउन या 2 डाउन बैटिंग करना चाहिए, हो सकता है कोलाडो नीचे चलेंगे हंटर ऊपर आ जाए, तो आफ्टर टॉस देखेंगे इनका बैटिंग ऑर्डर क्या आता है। मैट हंटर की बात करें 10 मैच के अंदर इन्होंने 104 रन किए हुए, 9 विकेट चटकाए हुए T20 इंटरनेशनल में, अपने ये दौर के आपको कंफर्म बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, प्लस मिडल ऑर्डर बैटिंग करेंगे, तो मस्ट हैव पिक है, कैप्टनसी के बढ़िया ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि दौर पूरे करा रहे हैं और ओवरऑल विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर हैं, और हो सकता है डेथ में भी डाल जाए, मीडियम पेस बॉलर है, 10 मैच के अंदर 9 विकेट है, हर मैच में 1-2 विकेट निकालते हैं, आपको अपनी टीम में प्रेफर करना है। मार्क बैकरेज की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट ऑफ ब्रेक बॉलर है, 10 मैच के अंदर 104 रन इनके भी हैं, 5 विकेट इनके नाम है, T20 इंटरनेशनल का इनका रिकॉर्ड है, तो इनको भी अपने अपनी टीम में जरूर रखना है। ग्रैंड लीग के अंदर सी बी सी ट्राई कर सकते हो, एक फिर हो सकता है मैच 2 ओवर मिलेंगे तो चांस मुझे थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन एक आध तो जरूर डालेंगे और एक अच्छी विक रहेगी, और पहला ओवर अच्छा चलेगा तो दोनों भी डाल के जा सकते हैं, इस चीज़ को भी अपने ध्यान रखना। मार्क कसारियो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है काफ़ी नीचे बैटिंग करेंगे, लेकिन यदि ऊपर मेंशन होते हैं तो ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हो, क्लब T20 के अंदर 2 मैच में 57 रन किए थे। ब्रायन जेबेट मुझे खास लगे नहीं, छोड़ दीजिएगा। नीचे आपको देखते हैं कि यहाँ पे बैटिंग करते हो क्रिश्चियन नवाज, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, 3 मैच के अंदर 20 रन का स्कोर किया, 6 ओवर डाले हुए क्लब T20 के अंदर, 1-2 ओवर डालते हुए नजर आ सकते हैं, ग्रैंड लीग में रोटेट करिएगा। जॉर्ज बुखारी जीएल पर अच्छी पिक रहेगी, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, 9 मैच के अंदर 7 विकेट चटकाए हुए, 15 ओवर डाल के क्लब T20 में, तो 1-2 ओवर ये भी बॉलिंग कर सकते हैं। रियान गुनाल कुछ खास लगे नहीं, चार्ल्स हेरिंस बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, 2 ओवर अपने कंफर्म कराएंगे। T20 इंटरनेशनल के अंदर इन्होंने 10 मैच में 10 विकेट निकाले हुए, सीधे सीधे आपको कवर करना है, 2 ओवर पूरे डालते हुए नजर आएंगे। बेंच में कुछ प्लेयर हैं, काफी बड़ा स्क्वाड इन लोगों ने डिक्लेयर किया है, यदि बेंच से कोई प्लेयर लाइनअप में जुड़ेगा तो उसका रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और इसमें इसकी जो अपडेटेड फाइनल टीम होगी सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप जल्दी से आगे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पर, अपने क्लिक करना है तुरंत टेलीग्राम पर एंट्री ले लेनी है। तो दोस्तों इसमें काफी के लिए हमारा टीम क्या, चलिए हम टीम देखते हैं। दोस्तों ये प्ले स्पॉट है, यहाँ पे मैं आपको टीम का प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, और दोस्तों इसका क्रेडिट और आपका जो सपना इलेवन ऐप है वहाँ का क्रेडिट लगभग सेम होता है, तो आप सेम टीम वहाँ पे यूज कर सकते हो। यदि आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो बेशक आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं प्रीव्यू को यूज करके, मेरा अभी के लिए यही टीम है सभी प्लेटफॉर्म के लिए। विकेट कीपिंग सेक्शन की दोस्तों बात करते हैं, तो यहाँ से मैंने आर बुजागुलू को लिया हुआ है, बैटिंग सेक्शन से मैंने क्रिश्चियन लो और यहाँ से जे प्रेवन और ऐसे मैं के स्टैग्नो के साथ जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने ऐसे रॉबिन पैट्री और यहाँ से आपको दिख रहे हैं आई लेटिन और ऐसे एम बर्करेज और ऐसे हंटर को पिक किया हुआ है। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों आते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन से मैंने ऐसे स्मार्थ बोधा और यहाँ से क्यों नस्टर और नीचे यहाँ से मैंने सी हेरेंसन को लिया हुआ है। तो दोस्तों मेरे स्मॉल लीग का कुछ टीम है, कैप्टनसी दोस्तों जो मैंने दी हुई है यहाँ से मैट हंटर को दी हुआ है, वाइस कैप्टन से मेरे लेटिन रहने वाले हैं। दोस्तों सी बी सी का पास जो बढ़िया ऑप्शन है इन दोनों के, आप यहाँ से बर्करेज को जील के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करेगा, तो स्मॉल लीग भी आप बना सकते हो। तो 3 प्लेयर आपके स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है। अब ग्रैंड लीग के लिए अंदर दोस्तों क्या कर सकते हो, इन दोनों को तो आपने तो बनाना ही है, इन तीनों का नाम जो बना सकते हो यहाँ से केन स्टर, ईसीएस के अंदर जो ने 5 मैच खेले हुए वहाँ पर ज्यादा बॉलिंग नहीं करी हुई, लेकिन जब इंटरनेशनल के लिए जिब्राल्टर के लिए खेलते हैं तो बहुत बॉलिंग कराते हैं, तो यहाँ पर भी कभी भी बॉलिंग डाल सकते हैं, बैटिंग से तो ऊपर बैटिंग करने आएंगे ही, तो इनको भी आप जीएल के अंदर सीबीसी ट्राई कर सकते हो। बॉलर से एक और बॉलर हैरिसन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, अच्छे खासे रिकॉर्ड है, 10 मैच के अंदर 10 विकेट है, तो ग्रैंड लीग में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो सीबीसी के रूप में। बाकी दोस्तों अभी के लिए हमारा स्मॉल लीग का टीम यही है, इस सभी प्लेटफॉर्म के लिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर विन कर रहे हैं वहीं पर खेलिए, मेरे साथ प्लेटफॉर्म के लिए यही टीम है। आफ्टर टॉस इस टीम में कोई चेंजेस करता हूँ
तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे दी जाएंगी, तो जिसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। आपने लिंक पे क्लिक करना है, तुरंत टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है। सारी अपडेट, मैच जुड़ी हुई, फाइनल टीम, सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दोस्तों आप सर्च करके भी टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लेकिन सर्च करके जुड़ेंगे तो आपको फेक चैनल मिलेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करिए, फर्स्ट कमेंट में जो लिंक है वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था तो यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सब करने में, कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए मुझे स्ट्रेस सब स्ट्रेस निकालने में, दोपहर से शाम हो गई भाई। तो एक लाइक तो प्लीज़ कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कुछ सजेशन हो आपका तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।